हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं, कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, तो आप सबको रमज़ान मुबारक। कि अगर 2023 में इतनी बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है इतने बड़े फेस्टिवल के लिए, तो भैया फेल है ये टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी, इस पे भरोसा मत करो। बहुत सारी चीज़ें बतानी है, पहले फजर से आते हैं। तो अभी एक छोटी सी नैप ले लेते हैं 9 बजे तक, 9 बजे उठ के फिर कॉलेज के लिए रेडी होते हैं। और आज का दिन कुछ अलग होगा, मे भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, फीलिंग दैट पीस ऑलरेडी जो रमज़ान का रहता है। तो अभी आप टाइम लैप्स देखिए, मैं तो चला सोने। हेलो जी, तो अभी 11 बजने वाला है, हम लोग कॉलेज में। थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा बीमार हूँ मैं बहुत ज़्यादा, एंड काफ़ी चीज़ें हैं। कैफेटेरिया बन रहा है उस बस के अंदर, वहाँ से न्यू स्टूडियो। बाय द वे वो लाइक इंटरव्यू यहाँ स्टूडियो में करना है, तो इनको मैं बताऊँगा, थोड़ा लाइट वगैरह सेटअप करके रखेंगे। स्क्रिप्ट पढ़ी हैं मैंने, कुछ कुछ ऐसा सेटअप क्रिएट करा अभी, एंड ये लग कुछ ऐसा रहा है ना। इधर सेकंड कैमरा आएगा ना। 12:15 हो चुके हैं और हमने साकिब भैया को सेटअप लगा के दिया, जो मैं आपको अभी एक और बार दिखाऊंगा। सेटअप कुछ उस तरीके से है कि जिनका इंटरव्यू करने वाले हैं वो यहाँ होंगे। एंड आई वांट टू टेल यू दैट, वो देखो भैया, ये बहुत क्यूट जैसा हो गया ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। के लिए साकिब भैया माइक लगाएंगे। आप ठीक लग रहा है वैसे। ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم النداء. और नमाज हो चुकी है, अभी मैं वापस कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ। I'm really disturbed mentally right now. I don't want to say this on camera, but not really. तो चीज़ ऐसी हुई, which I can't say, but I wanna talk though. मैं जा रहा हूँ अभी बैंक पे, क्योंकि घर का एक बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम आ गया है। वो असल में दिन में भी गया था, लेकिन उस टाइम पे वो बंद था 2 बजे। थोड़ा स्पिरिचुअल अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ विद रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिल्म पे पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं। हमें एक छोटे से काम के लिए स्कूटी पे निकलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे चेंज करना है। स्कूटी पे जा रहा हूँ, तभी डर लग रहा है। असल में हमें जाना था एक एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करने, लेकिन वो 24 आवर्स के बाद एक्टिवेट होगा, तो वो भैया अब कल करेंगे। तो हम वापस आ रहे थे, तो रास्ते में ही असर की अजान हो गई, नमाज पढ़ के अभी घर आ रहा हूँ मैं। तो जी, आज रमज़ान का पहला रोज़ा था या नहीं था, इसकी डिबेट में मैं नहीं पढ़ रहा। आपको पता है कि कल रात कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी कश्मीर में। सबसे पहला गोल ये रहेगा कि ईद से पहले पहले इंशाल्लाह हमारी फिल्म जिस पे हम पिछले 6 महीनों से काम कर रहे हैं वो एटलीस्ट ख़त्म हो जाए। और दूसरा गोल जो हमारा है वो कि फिल्म के लॉन्च इवेंट के लिए प्रिपरेशंस करनी है। देयर इज दिस ऐप कॉल्ड टू डू लिस्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर, आप वो जाके डाउनलोड करिएगा। काम बस इतना सा है कि आपको पूरे दिन में जो चीज़ें अकम्प्लिश करनी है, जो चीज़ें हासिल करनी है, बस वो आपको लिखना है। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरे टू डू लिस्ट में या मेरे स्केड्यूल में था
कि असर के बाद मुझे कुछ कुरान शरीफ के 20 पेजेस पढ़ने थे, विच आई एम स्टिल नॉट एबल, अभी मैंने नहीं पढ़े बिकॉज ऑफ दिस वीडियो. तो अभी मैं पहले वो कंप्लीट करता हूँ, इफ्तारी के लिए तैयारी करनी है, आई मीन इफ्तारी के लिए रेडी होना है, रियली एक्साइटेड. रमजान की पहली इफ्तारी लाइक ब्रो, अभी बॉडी में पूरी जान है ब्रो, अभी मतलब ज़्यादा फील नहीं हो रहा लेकिन वेट हो रहा है लाइक इफ्तारी का बहुत बेसब्री से, मज़ा आ रहा है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ अ ब्लेस्ड मंथ, आप सब लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा एंड जितना हो सके एक दूसरे के लिए दुआ करिए, इबादतों में अपना वक्त गुजारिए एंड अपना पूरा जो है अपने आप को फोकस करने की कोशिश करिए. दिस इज़ अ मंथ ऑफ पीस एंड मे अल्लाह ब्लेस अस ऑल. रोज़ा हम घर पे नहीं मस्जिद में खोलेंगे. तो जी अभी मेरे को इफ्तारी का वक्त नहीं पता कि कितने बजे एग्जैक्टली है, बट काफ़ी जगहों पे अजानों की आवाज़ें हो रही हैं तो यानी वक्त बहुत करीब है. मैं अभी मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ आपको दिखाने कि पहला इफ्तार कैसे होने वाला है. मैंने कुछ भी साथ नहीं लाया, रिलाइंग ऑन मस्जिद में अगर कुछ हुआ खजूर पानी कुछ भी तो उससे हो जाएगा इफ्तार, फिर घर आके अच्छे से खा लेंगे कुछ. लेकिन सच बताऊँ पूरे दिन भूख नहीं लग रही थी, अभी मेरे को भूख लगना शुरू हो गई, थोड़ा वीडियो भी एडिट करा तो अभी जल्दी से मस्जिद पहुँचते हैं, रास्ते में ना हो जाए. हमें रास्ते में ही इफ्तार हो गया, थोड़ा लेट हो गया, रास्ते में ही हो गया इफ्तार. जी तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का पहला रोज़ा पहला दिन कंप्लीट हो चुका है. अभी हम मस्जिद से निकले, मुदस्सिर भैया हमारे साथ हैं, हम जा रहे हैं घर की तरफ. पीछे से बाय द वे बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, हम अभी घर चलते हैं. يا